आपकी जितनी पॉपुलरिटी हो या जितने भी लोग आपका वीडियो देख ले, एक और पूरा तबका है ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो गर्ल्स गन्स गैंग्स फाइट्स दिखाकर पॉपुलर होते हैं, यहां तक कि पुलिस को इंटरव्यू करना पड़ता है उनके यूट्यूब एक्टिविटीज पर, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हैं, उनकी बहुत पुल है और इनको भी पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। एक तरफ आप लोगों को डिक्टेटरशिप के बारे में बता रहे हो, उधर ही वो डिक्टेटोरियल फोर्सेस इनके साथ बैठ के YouTube वीडियोस बना रही है, उसे कैसे हराओगे ब्रो? ये तो लोगों को सोचना होगा कि किस व्यूअर को, किस यूट्यूबर को वो देखते हैं, किस इन्फ्लुएंसर से प्रेरित होते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही कहना होगा कि आप जब किसी भी चीज को देख रहे हो, किसी भी वीडियो को देखते हो YouTube पर, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो या टीवी पर कुछ देखते हो, अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत किया करो, क्योंकि जो भी आप देखते हो उसका इंपैक्ट आपके मन पर पड़ता है। अगर आप ये देख रहे हो कि इन्फ्लुएंसर्स गन्स का शो ऑफ कर रहे हैं या ड्रग्स का शो ऑफ करते हैं, तो क्या चीजें आप सीख रहे हो उनसे? डिस्ट्रक्टिव हैबिट जो है, नफरत फैलाना, आपके मन में क्या आता है उनको देखकर? तो मैं तो यही कहूंगा, आप किसी भी चीज को देखने से पहले जज किया करो। बिग बॉस के बारे में मैंने यही कहा था कि सोचो क्या मिल रहा है आपको देखकर। एंटरटेनमेंट के मतलब पर ये नहीं कि दिमाग को डस्टबिन की तरह बना दो। इनका होल्ड तो है, दैट यू एडमिट, आपसे ज्यादा है, होल्ड है, क्योंकि लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी देखनी पसंद होती है असल में। और ज्यादातर लोग जो इन्हें देखते हैं बस इसलिए देखते हैं कि अरे अब क्या नया बवाल कर दिया इसने, चलो देखो अब क्या कलेश हो गई यहाँ पर। मजा आता है उन्हें कॉन्ट्रोवर्सी देखने में, कोई इसलिए नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ, इसे कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे मुझे, वो बस ड्रामे के लिए देखते हैं लोगों। की आर्मी है क्या? नहीं, मेरी कोई आर्मी नहीं है, आर्मी सिर्फ एक देश में, इंडियन आर्मी। बहुत सारे जो अभी ऑफलेट में देख रहा हूँ कि यूट्यूबर्स को, और इतना बजट भी है सरकार के पास, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं, इंटरव्यूज बहुत सारे हो रहे हैं, आपका भी एक लिंक जोड़ा जाता है। जैसे मैं आकाश बनर्जी हूं तो फिर मैं तो ममता बनर्जी का भतीजा हूं, किसी को मैं ना भी समझाऊं मैं वही बोलता हूं, हां भाई ठीक है तुम सही बोल रहे हो। उसी तरीके से आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े होते हैं, चाहे आप डिनाई करो या नहीं करो, तो ये तार कब से जुड़े, ये बता दो आज, एडमिशन आज आप भी बता दो। पहले जुड़े तार, पहले वाले सवाल पर दो सवाल है यहां पे। पहला आपका सवाल ये है कि जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स ये कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके पीछे उनका सेल्फिश मोटिव है कि लोग मोस्टली लोग अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए देखते हैं। उन्हें अगर दिखता है कि सच के लिए आवाज उठानी यहां पर ज्यादा मुश्किल है, उन्हें इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, शायद उनके ऊपर इनकम टैक्स क्रिएट हो जाएगी या ईडी आ जाएगी उनके पास, और दूसरी तरफ यहां ऑप्शन है कि चुपचाप बैठे रहो, सरकार की तारीफ करो, अवार्ड दे देंगे हम आपको, स्टेज पर आकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलेगा, इतनी तारीफ कर दी जाएगी, तो आसान ऑप्शन है वो चुनना। वो खट्टे ना, आपको अवार्ड नहीं मिला इसलिए आप। मैं सही बताऊं, अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते, तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले, सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना।